वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट कॉम। स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग और कमोडिटी ट्रेनिंग्स के लिए आप हमसे जुड़े हुए हैं, थैंक यू वेरी मच। अभी बात यह हो रही है कि स्टॉक मार्केट में जब 8100 का लेवल क्रॉस हुआ है तो अगला एक रेजिस्टेंस 8300 पे आता है। पहले निफ्टी 8300 को टच करके गई थी, सेंसेक्स में वो 27000 का लेवल हो सकता है लगभग। वो लेवल क्रॉस करने के बाद सीधा निफ्टी 9000 की तरफ भागेगी, सेंसेक्स सीधा 30000 की तरफ भागेगा। और आने वाले 3 सालों में जो मौका इंडियन इकोनॉमी में है वो पूरी दुनिया में अभी कहीं भी नहीं है। ये दुनिया की सबसे प्रॉमिसिंग इकोनॉमी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बात का भरोसा नहीं है। मतलब कई बार मैं ये देखता हूँ कि हमारे पास फ़ोन आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे फॉरेक्स में काम करना है, कोई कह रहा है कि नहीं मुझे US के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकता हूँ क्या, कोई दूसरे कहीं स्टॉक्स में पैसा लगाने की बातें सोच रहे हैं। लेकिन अभी वो ये नहीं समझ रहे हैं कि सारी दुनिया का पैसा आ रहा है इंडिया की कंपनीज में, इंडिया की इकोनॉमी में। तो ये एक मौका ऐसा है जहाँ पे जो इंसान बिल्कुल हाथ नहीं लगाता मार्केट को, स्टॉक मार्केट को, वो भी एक इन्वॉल्वमेंट बना सकता है। अगर डरा हुआ है तो कैलकुलेटेड रिस्क ले ले, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके रख ले। लेकिन ये एक ऐसी रैली है जो एक लाइफ टाइम में मुश्किल से 2 बार ही आती होगी, 2 या 3 बार, क्योंकि पहले एक दौर था US का था 80s to 90s में, उसके बाद पहले जापान का दौर था, फिर US का दौर आया, फिर चाइना का दौर था एशिया में, और अब इंडिया वाला दौर आया है। तो अब ये जो हमारा दौर है ये आप समझ सकते हैं कि 40 या 50 सालों में एक बार आता है, तो एक लाइफ स्पैन में कितनी बार आएगा। लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, कन्फ्यूजन्स इस बात के होते हैं, और लोगों का डरना इसलिए जायज़ है कि जो चीज़ें जितना हिस्सा उन्होंने देखा वो डरावना है। कभी DLF 1200 रुपये का शेयर हुआ करता था, अभी 100-125 रुपये के आसपास घूमता रहता है। यूनिटेक 500 रुपये का शेयर हुआ करता था, 4-5 रुपये के भाव पे घुमा करता है। डर तो लगना जायज़ है, लेकिन इस पूरे पिक्चर को देखो तो आपका डर भाग जाएगा। स्टॉक मार्केट में कई सारे सेक्टर्स होते हैं, 12 से 15 मेजर सेक्टर्स हैं। तो हर एक तेजी में, तेजी का दौर 4 से 5 साल में एक बार आता है, 92, 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, इस तरीके से एक तेजी का दौर आता है। अभी वो तेजी का दौर सामने ड्यू है। तो पिछली तेजी में जो जो चीज़ें, जो जो सेक्टर भाग रहे थे, वो इस तेजी में बिल्कुल बॉटम आउट हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल तली में जाके पड़े हुए हैं। और जो उस वक्त तली में पड़े हुए हैं, 2008 में 21000 का लेवल बनाया था सेंसेक्स ने, उसके बाद उस लेवल को तोड़ा है अब जाके 2014-15 में। तो 21000 का लेवल पे जो जो स्टॉक्स भाग रहे थे वो स्टॉक अभी बॉटम में जा चुके हैं। मेटल्स है उसमें, उसमें रियल्टी है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स हैं, ये सारे सेक्टर्स नीचे जा चुके थे। और उस वक्त कौन से सेक्टर्स थे जो बॉटम में थे? ऐसे सेक्टर्स थे कि लोगों को लगता भी नहीं था कि उन कंपनीज की कोई खास डिमांड होगी या वो आगे कभी चल के डबल या ट्रिपल हो भी सकती। उनका तो 1.5 गुना होना भी नामुमकिन लगता था, इस तरीके से वो रेंज में बंधे हुए थे और लगातार अपना लो तोड़ते जाते थे। उसमें FMCG सेक्टर था, FMCG में ये HUL, ITC वगैरह सब काफ़ी नीचे थे, 2007-08 में आप जाके चार्ट्स देखिए। फिर हीरो होंडा मारुति बहुत नीचे थे, इन्फोसिस TCS वगैरह बहुत नीचे थे। इधर हम बात करते हैं ग्रेसिम की और दूसरे कॉन्ग्लोमरेट्स, दूसरे तरह के शुगर बहुत नीचे थे, सीमेंट्स बहुत नीचे थे, ऑटो सेक्टर जो मैंने बताया वो नीचे था ही। तो अब आप देखते हैं कि वो सारे के सारे सेक्टर के जो शेयर थे, वो जिसने भी उस वक्त बॉटम में SIP करके रख दिया था, उन सब का पैसा कम से कम 6 साल में 3 से 4 गुना हो चुका है। ये तो लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ, अगर उसमें मिड एंड स्मॉल कैप भी थे तो वही पैसा 6 से 7 गुना हो चुका है। सोचिए 6 से 7 सालों में 6 से 7 गुना पैसा, एक अच्छा खासा रिटर्न है। और अब इसका प्रॉफिट बुक करके आधे से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर लेंगे और उसी को बॉटम में जो चीज़ें पड़ी है उनमें SIP चालू कर देंगे, तो वही पैसा अगले आने वाले 4-5 सालों में मोर देन ट्रिपल तो हो ही जाएगा। तो अब आपका काम क्या है? आपका काम है उन सेक्टर्स को, उन स्टॉक्स को डायग्नोस करना, पहचानना, जो अभी नीचे बॉटम में रखे हुए हैं और जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। फंडामेंटल अच्छे होने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको हमेशा आसान तरीके बताते हैं। तो पहला काम हम शुरू करेंगे, BACIndia.com में आप जाएंगे,
और वहाँ पे इंडाइसेस को क्लिक करेंगे, इंडाइसेस में हिस्टोरिकल डाटा आएगा, हिस्टोरिकल डाटा को क्लिक करने पे आपको वहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं ईयरली, मंथली या डेट वाइज। आपको अगर डेट वाइज चार्ट देखने हैं पूरे पुराने सेक्टर्स के, देख सकते हैं, मतलब ये सब दिखाएगा वो कि ऑटो सेक्टर पहले 4000 का लेवल था, अभी 12000 का लेवल चल रहा है, इंडेक्स का वैल्यू बता रहा है। लेकिन आपको साफ साफ पता लग रहा है कि कौन सा सेक्टर है जो 3-4 गुना हो गया, कौन सा सेक्टर है जो आधा या आधे से भी कम हो गया। तो जो सेक्टर नीचे बॉटम में दिख रहे हैं, जो आधे या आधे से भी कम हो चुके हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर जाके उन सेक्टर्स की लिस्ट देखेंगे, उस लिस्ट में से जो आपको स्टॉक्स दिख रहे हैं उनकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग चेक करेंगे। बल्कि ऐसा भी कर सकते हैं, एक तरफ हम उन सेक्टर्स के स्टॉक्स की लिस्ट देखें, दूसरी तरफ हम जो आपको म्यूचुअल फंड होल्डिंग के सोर्सेज हमने बताए हैं HDFC, SAC या moneycontrol.com से, वहाँ पे लिस्ट को आप टेली कर रहे हैं, आपको पता लग रहा है कि ये वाले स्टॉक्स ऐसे हैं जो बॉटम में तो हैं, फिर भी म्यूचुअल फंड इसमें खरीदी करते जा रहे हैं, आप उनमें SIP करके रख लेंगे। अगर आपने उनमें SIP करके रख ली तो आपकी उम्मीद से बहुत पहले आपका पैसा डबल हो जाने वाला है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि जो नीचे है वो और नीचे नहीं जाएगा, इसीलिए तो SIP कर रहे हैं। अगर वो एक साल तक और नीचे गिरता रहा तो आपके लिए वरदान साबित होगा। ये बात सुनने में थोड़ी बुरी लगती है, लेकिन जब समझेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप ऐसे समझिए, कोई शेयर था, सपोज अभी बात कर रहे थे हम लोग, हमने अपने सामने हिंडालको या टाटा स्टील को बढ़ते हुए देखा, टाटा स्टील को किसी ने समझो 250 में लिया, वो और गिरा 230 हो गया, फिर वो 210 हो गया, फिर वो 195 तक चला गया। ऐसे कोई SIP कर रहा था तो उसको नीचे से नीचे कम से कम रेट में बाइंग होती चली गई, फिर वापस आया 220 पे, 240 पे बाइंग हुई, और फिर वो आके अब 340 खड़ा है। तो आप सोचिए एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा 220 के आसपास का, 340 पे जब खड़ा है तो यहीं पे पैसा 1.5 गुना हो चुका है, जबकि ये बात तो 6 महीने की है। तो आगे आने वाले सालों में जब वही चीज़ 700 रुपये होगी तो आप समझ सकते हैं कि पैसा 3 गुना हो गया, 700 तो उसको होना ही है क्योंकि 800 का हाई तो वो बना के आ रहा है। तो जब आप चार्ट देखेंगे लॉन्ग टर्म के तो आपको वैसे भी समझ में आ जाने वाला है। जब भी आपके पास टाइम हो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ, लॉन्ग टर्म के चार्ट्स देखते रहो, और ये देखते रहो कि कितने कितने दिनों तक चीज़ें नीचे पड़ी रही, और जब ऊपर गई तो कितने दिनों में गई, और गई तो कहाँ तक जा सकती है। आपको ये चीज़ कभी नहीं समझना है कि अभी चल नहीं रही है कोई चीज़ तो अब कभी नहीं चलेगी। आपको अच्छे से पता होता है कि जिस कंपनी की आप नाम ले रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, वो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में से हो सकती है। आपका ये सोचना कि आगे कभी नहीं चलेगा थोड़ा हास्यास्पद है, लेकिन हम नए इस फील्ड में तो ऐसा सोच सकते हैं। तो हमने आपसे कहा कि BSE इंडिया के सेक्टर वॉच में जाके सेक्टर के चार्ट्स देखेंगे, और जो सेक्टर बहुत ऊपर खड़े हैं उनके स्टॉक्स को भी हम खरीदेंगे, लेकिन उनके प्रॉफिट को अगले 6 महीने में 12 महीने में बुक करते जाएंगे। वहाँ से पोजिशन खाली करते जाना है, और जो बॉटम में उनकी पोजिशन बनाते जाना है। और ध्यान रखिएगा कि अभी आप पैसा लगा रहे हैं तो एक साल बाद 1 लाख का 80,000 या 70,000 ही दिखेगा। इसकी मानसिक तैयारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग बड़ी हिम्मत करके और जोश में यहाँ बाज़ार में आ जाते हैं। बाज़ार में जब तेज़ी होती है तो हर इंसान चला आता है और बोलता है कि चल क्या दिक्कत है, बोलो पैसे, हाँ ठीक है ऊंचा नीचा होता रहता है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब उनको असली गिरावट दिखेगी बाज़ार में, और जब 1 लाख के 40,000 भी देखने को मिलेंगे, तो फिर वहाँ टिक नहीं पाएंगे, भाग जाएंगे। तो इसलिए पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है कि हम इकट्ठा पैसा डालें हमारी मजबूरी नहीं है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मैं हर महीने कुछ कुछ शेयर खरीदता जा रहा हूँ तो वो ऊपर नीचे जा रहा है इसकी चिंता मुझे नहीं है। कोई शेयर 300 रुपये से गिर के 2 साल में 150 रुपये तक चला जाता है, और 150 के आसपास थोड़ा ज़्यादा ही दिन रहता है। तो अच्छी बात क्या है, मुझे 150 के भाव के आसपास ज़्यादा शेयर मिलेंगे, तो मेरा एवरेज 200 रुपये के आसपास का होगा। फिर जैसी वो चीज़ 300 और 300 के ऊपर जाएगी, हमारा पैसा 1.5 गुना से ज़्यादा हो चुका होगा। यही तो सबसे आसान और अच्छा तरीका हो सकता है, अगर समझ है आपको तो वही समझ हम आपको डिटेल में देने की कोशिश कर रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का एक स्पेशल कोर्स डिज़ाइन किया है इन्वेस्टर्स के लिए, बाकी ट्रेडिंग एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस वाले सारे कोर्सेज तो हैं ही। 35,000 6 महीने का अभी ऑफर चल रहा है, और फंडामेंटल एनालिसिस या इन्वेस्टर्स के लिए 12,000 का छोटा कोर्स है। आप कोई सा भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस की ट्रेनिंग से रोज का ट्रेडिंग नहीं हो सकता, फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेडिंग नहीं हो सकता। तो आप अपनी ज़रूरतों को समझें और साथ में चीज़ों को सीखना शुरू करें। यहाँ नॉलेज ही पैसा है, तो इसके लिए जितनी कोशिश करेंगे
उतना ही आपको फायदा होगा। हम आपका हमेशा साथ देने को तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय।